शराबी पति ने मिट्टी का तेल डालकर अपनी पत्नी को जिंदा जला डाला। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता हुआ कलंकित। जलती हुई औरत को देखकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीलम 80% से ज़्यादा जल चुकी थी। ये घटना उतरोला में जोगिया कैरियर जिला बलरामपुर की है। थोड़ी देर बाद मृतक की बहन शीला साथ ही माँ वहाँ पर पहुँची। जब तक उसे गोंडा जिला अस्पताल ले जाया गया तब तक उसे रास्ते में यानी उसकी मौत हो गई। मृतक की माँ रोते हुए बताई कि 12 साल पहले मेरी बेटी नीलम की शादी कुशल से हुई थी। 12 साल की शादी के उपरांत 5 बच्चे हैं, उनमें से एक 10 महीने की नन्ही सी बच्ची है। इस मामले में चौंका देने वाली घटना सामने आई है। हत्यारा पति खुद अपनी पत्नी के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा। मृतक जलती हुई अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी घटना बताई कि मेरे पति ने मुझे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया है। मृतक की माँ और बहन शीला ने कहा अपने दामाद पर आरोप लगाते हुए कि शराब पीकर रोज़ मारता पीटता था। हैवाने से भरे इस दर्दनाक मामले पर जिला SP महेंद्र कुमार ने बताया कि घटना स्थल पर और मामला दोनों बलरामपुर ज़िले का है, लेकिन गोंडा से सिर्फ इतना संबंध है कि इलाज में दौरान पीड़िता की मौत हुई है। हाँ, आज रात को करीब 2:20 AM पर एक महिला जो है, नाम था उसका नीलम गिरी, 29 ईयर्स की है, और उसे जली हुई अवस्था में यहाँ लाया गया। वो यहाँ जब लाए गए थे तो मृतक अवस्था में थी और वो रहने वाली जुगिया करही है, जो उतरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला बलरामपुर की रहने वाली है। कितना परसेंट बर्निंग था? अब करीब 80% जली हुई है। ये बलरामपुर जिले से संबंधित मामला है, घटना स्थल भी वही है। गोंडा से सिर्फ इतना संबंध है कि यहाँ पर इलाज करने के लिए उसको लाए थे, जहाँ पर उसको मृत घोषित किया गया है और उसका PM करा के इसको वहाँ पर डेड बॉडी उसको परिवारी जन को सुपुर्द की जा रही है और जैसी वो तहरीर देंगे उसके अनुसार से वहाँ पर कार्रवाई होगी। क्या इस लाइन को फिर सर जोड़ा जाएगा जो 25 किलोमीटर दूर वहाँ बलरामपुर जिला अस्पताल है वहाँ लाकर यहाँ ये तो विवेचक देखेगा इन पूरे प्रकरणों को, इन्वेस्टिगेशन देखेगा, उसको फिलहाल कार्रवाई लगाने के लिए वो यहाँ हमारे स्तर की होगी वो हम करेंगे, बाकी कार्रवाई बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट करेगा और वहाँ के लिए